नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार धनु राशि वाले व्यक्ति पर्सन के लिए चर्चा करेंगे। 2018 का अक्टूबर महीना कैसा रहेगा उसके ऊपर थोड़ा विचार डालेंगे। अक्टूबर महीना 2018, मैंने जैसे बताया, दो तीन प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। इसमें बड़ा एक गुरु का जो ब्राह्मण है वो अभी चेंज होने वाला है। 11/10/2018 से गुरु महाराज वृश्चिक राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तुला राशि को छोड़ के वो जाएंगे वृश्चिक राशि में। और राशि चक्र से गुरु का जो भ्रमण है वो कैसा रहेगा और गोचर का अक्टूबर महीने का भ्रमण इनका सभी ग्रहों का कैसा रहेगा धनु राशि वाले भाई बहनों के लिए, उसके ऊपर थोड़ा विचार डालेंगे। यहाँ मैंने गुड्स डेट्स लिखी है, यहाँ बैड्स डेट्स लिखी है, यहाँ लक्की इनका जो डेट्स है वो लिखी हुई है। 26/10/2018 इनकी लक्की डेट गिनी जाएगी। वो डेट्स के अंदर वो काम करे तो वो काम ज़्यादातर इनका सक्सेस हो सकता है। कोई भी काम, अगर समझो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं आपकी, या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट वर्क्स है, या कोई भी ऐसी नई शुरुआत करने जा रहे हो आप, तो इसके लिए आप ये डेट्स को ज़्यादातर चूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। और ये लक्की नंबर है आपके लिए 5, 4, 6, 2, ये आपके लिए लक्की नंबर माना जाएगा पर्टिकुलर अक्टूबर 2018 के लिए। अभी देखते हैं इनकी कुंडली में कैसा रहेगा 2018 का अक्टूबर महीना। शनि चंद्र की युति ऑलरेडी धनु राशि में चल रही है। धनु राशि अभी बहुत ही देखने जाएंगे तो अभी इनकी कसौटी चल रही है। एक बोला जाएगा, एक कसौटी बोलते हैं ना अपने, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं किसी को, बच्चे को, 6 महीना साल में उनकी जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम का अभी इनका टाइम आ गया है। अभी इनकी एग्ज़ाम हो रही है तो उनको बहुत ही अभी चौकस रहना है, बहुत ही पंक्चुअल रहना है, कहीं भी उनको मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं भी गलती नहीं करनी है और बहुत ही सोच संभल के काम करना है। जहाँ भी गलती हुई है तो उनको सुधारना है तुरंत ही। अगर गाड़ी में जैसे पंक्चर हो गया तो अपने कैसे उसको पंक्चर बनाते हैं, वैसे उनको अभी भी हर एक गलती को सुधारने का तुरंत मौका ले लेना चाहिए। शनि चंद्र की युति बॉडी पे चल रहा है और ये इनको मानसिकता अभी भी इनकी ख़राब कर रही है। इनको नहीं करने वाले काम ये कर रहे हैं तो उनको उसमें देख के सोच के काम करना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है, फिर भी मैं उसमें जा रहा हूँ काम करने के लिए। इसलिए इनकी नेगेटिविटी को इनको दूर करना चाहिए। मंगल केतु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, मंगल अभी मार्गी है तो काफ़ी अच्छा फल देगा। केतु के साथ कोई बड़ा धन लाभ का भी हिसाब दे सकता है। राहु अष्टम स्थान में चल रहा है, ये इनके लिए दुर्योग है। फिर भी अभी राहु बहुत कम अंश के बचे हुए हैं तो ये भी इनको एक अच्छा धीरे 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 पॉइंट दिखता सुधरता हुआ नजर आएगा। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, भाग्य दसवें स्थान में बैठा हुआ है। ओवरऑल ये महीना इनका अच्छा ही जाएगा क्योंकि भाग्य का जो ब्राह्मण है वो 15/10 तक यहाँ दसम स्थान में रहेगा, ये बहुत ही अच्छा गिना जाएगा। शुक्र गुरु की युति यहाँ रहेगी, शुक्र की यहाँ रहेगी। 11 शुक्र महाराज बैठेंगे लेकिन 11/10 तक गुरु महाराज यहाँ बैठेंगे। फिर गुरु का जो ब्राह्मण है वो वृश्चिक राशि में 12th हाउस में जाएगा तो बोला जाएगा कि इनको अभी विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी या कोई इनको बाहर का भी हिसाब किताब बन सकता है, या फिर जेल योग भी बन सकता है, विदेश योग भी बन सकता है, अस्पताल का योग भी बन सकता है। ये कुंडली ऐसा अभी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए आपको बहुत ही सोच संभल के काम करना है क्योंकि लग्नेश का जब भी 12th हाउस में जाना होता है वो थोड़ा आपके लिए एक कसौटीदायक माना जाता है। लेकिन इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके रूप में अपने विस्तार से अलग बात करेंगे। अभी पर्टिकुलर अपने अक्टूबर महीने की बात करते हैं तो अक्टूबर महीना आपके लिए एक कसौटी का महीना होगा, लेकिन दो दो शुभ ग्रहों का जो ब्राह्मण है वो आपको आपकी कुंडली के हिसाब से काफ़ी हद तक फ़ायदा भी दे सकता है। अगर आपके जन्म के ग्रह गोचर स्ट्रांग है, आपकी दशाएँ स्ट्रांग है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।